एक छोटा कैंट। आज मैं आपको घर के बारे में कुछ सिखाऊंगा, मजा आएगा। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छिटकू सा एलिफेंट। हम नहीं देते घर का रेंट, पापा ने खरीदा है नया घर रीसेंट। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने घर का स्केच बना लिया, अब हम एक एक करके इसकी चीजें बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना चाहिए? हाँ, पहले फाउंडेशन लगा लेते हैं। और ये लग गया। उसके बाद हम दीवारें सेट करेंगे और फिर इसे पेंट भी करेंगे। मुझे येलो यानी पीला रंग बहुत पसंद है, अच्छा लग रहा है ना? अब रूफ यानी छत लगा देता हूँ और इसे भी पेंट कर दूंगा रेड यानी लाल रंग से। घर अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? चलो अब बताओ कि हम किस चीज से घर के अंदर जाते हैं? हाँ, डोर यानी दरवाजा। डोर को भी पेंट कर देता हूँ। अब सामने दो विंडोज लगा देते हैं यानी कि खिड़कियाँ, ताकि हवा और धूप अंदर बाहर आ जा सके। अब क्या लगा सकते हैं? हाँ, सीढ़ियाँ लगा देता हूँ, ऊपर चढ़ने में आसानी होगी। और उसके बाद चिमनी लगा देता हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है मेरा घर। इसके बाद मैं क्या लगा सकता हूँ? हाँ, पौधे लगा देता हूँ ताकि हमें अच्छी ऑक्सीजन मिल पाए, है ना दोस्तों? और उसके बाद पेड़ भी लगा देता हूँ। वाओ, मेरा घर कंप्लीट हो गया और कितना सुंदर लग रहा है ना? चलो अब मैं घर जाता हूँ। बाय बाय, सी यू। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका कैंट। ओह, अरे ये क्या, कैंट का रूम तो कुछ ज्यादा ही गंदा है, पहले साफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम खेलेंगे दोस्तों, ठीक है? मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। आज करनी है क्लीनिंग माय फ्रेंड और सीखेंगे एडिशन टिल द एंड। हमें रूम में बिखरे हुए सारे खिलौने उठाने हैं और उन्हें अपनी जगह पर रखना है। तो चलो शुरू करें। ये रही मेरी सॉकर बॉल यानी कि फुटबॉल, और ये रही मेरी दो बास्केटबॉल। अब देखना पड़ेगा कि मेरे कबर्ड में कितनी बॉल फिट हो पाएंगी। चलो कोशिश करके देखते हैं। तो सामने कितनी बॉल नजर आ रही हैं? क्या गिनती करने में मदद करोगे? तो चलो, एक सॉकर बॉल यानी फुटबॉल और दो बास्केटबॉल। 1 + 2 होता है 1, 2, 3। हाँ, सही कहा, 1 + 2 होता है 3। वाह, क्या बात है, हमने एडिशन सीखा। अब इन्हें शेल्फ में रख दिया। मेरी कार, मेरे पास दो लाल कार है और दो पीली कार्स। जब लूक और टिम आते हैं तो वो इन गाड़ियों को लेकर झगड़ते ही रहते हैं। मेरे पास है 2 रेड कार और 2 येलो कार। तो मेरे पास कितनी कार्स हुई बताओ? 1, 2, 3 और 4। 2 + 2 होते हैं 4। क्या बात है, हमने गिनती सीखी। रूम रूम, चलो गाड़ी में। अब इसे रख दिया शेल्फ में। अब बुक्स की गिनती करेंगे। देखते हैं मेरे पास कितनी बुक्स हैं। मेरे पास हैं 3 गुलाबी बुक्स और 3 नीली बुक्स। तो हुई कितनी बुक्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब 3 और 3 होते हैं 6। क्या बात है दोस्तों, हमने गिनती कर ली। अब इन्हें इनकी जगह पर रख देते हैं। रख दी। अब मैं करूँगा फ्लोर की सफाई। क्या और कुछ करना बाकी है? अरे हाँ, ये सारे क्रेयॉन्स गिनने बाकी हैं। मेरे पास हरे क्रेयॉन है और नीले। चलो अब इनकी गिनती करते हैं। 4 + 4 हुए कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी 4 + 4 होता है 8। मेरे पास है 8 क्रेयॉन। अब चलो इन्हें इनकी जगह पर रख देते हैं। और टिंग 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 रख दिया। सफाई में मदद करने के लिए थैंक यू। बाय बाय दोस्तों।
हाय फ्रेंड्स, अरे ये बॉल्स तो बहुत बेरंग हैं। चलो फ्रेंड्स इनमें रंग भरते हैं, उसके बाद बड़ा मजा आएगा। मेरा नाम है केंट, मुझे पसंद एक्सपेरिमेंट्स, मुझे चाहिए एक बेसमेंट, तब करूँगा सबका एंटरटेनमेंट। चलो अब जल्दी से हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। वाओ, ये कितने सुंदर और ब्राइट कलर्स हैं। ये तो सारे मेरे फेवरेट कलर्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई रेनबो हो। पता है फ्रेंड्स, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। और अब ये लास्ट बॉल। बॉल्स को कलरफुल बनाने के लिए हमें बहुत सारा कलर डालना होगा। अब कुछ देर बॉल्स को यूं कलर में ही रहने देंगे, तब ये रंग बिरंगी बन जाएंगी। ये देखा कितनी रंग बिरंगी बॉल्स हैं। हे केंट, ये देखो। वाओ, हे वी। चलो अब इनकी रंग बताओ। रेड यानी लाल। अब जल्दी से दूसरी बॉल चुनो। नहीं, तुम दो। अच्छा, ये लो। ऑरेंज यानी नारंगी। केंट, अभी 3 बॉल्स और बची हैं, इनके रंग बताओ। ये। येलो यानी पीला। बस 2 बॉल्स और। अब बची है लास्ट बॉल। ये लो। ब्लू यानी नीला। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो केंट। बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो केंट आपको सिखाने वाला है व्हीकल्स के नाम। व्हीकल्स के नाम, आज है केंट की थीम। काश मैं खा पाता कोई आइसक्रीम। केंट को पसंद है ब्लैक करंट क्रीम। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। आ गई मेरी आइसक्रीम। ये वाओ, वुहू, यम्मी। अरे ये क्या है? हाँ, आगे देखता हूँ क्या है। वाओ, फायर ट्रक। काश केंट करे कुकिंग। सब्जी जले नहीं, इसीलिए करना है इसे लुकिंग। और सब्जी जल गई, आई एम नॉट जोकिंग। फायर, फायर, फायर। अरे वाह, फायर ट्रक आ गया। ये अभी आग बुझा देता हूँ। अरे मुझ पर पानी मत डालो। अरे मैं तो सपना देख रहा था। आगे देखता हूँ क्या है। स्कूल बस। केंट जाएगा स्कूल, ना जाने की नहीं करेगा भूल। लेकिन आज है केंट अकेला, और बड़ी सी बस को चलाने में है बहुत झमेला। चलो देखता हूँ अब आगे क्या है। काश मेरे पास कार होती। हाँ? लोग चलाएगा कार। केंट हो जाओ इसमें सवार। दोनों को जाना है पार्क के उस पार। अब हम मिलेंगे अगली बार। बाय बाय, बाय दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया। आज केंट आपको सिखाएगा कलर्स के नाम। मेरा नाम है केंट। आज हम खेलेंगे ट्रक्स वाला गेम, साथ ही सीखेंगे कलर्स के नेम। बड़ा मजा आए, यही है मेरा एम। चैलेंज
चेंज हो गया है उड़नछू, क्योंकि मैंने पार कर लिया है ब्लू। ब्लू यानी नीला। केंट को पसंद है ब्रेड और उसकी गाड़ी का रंग है रेड। ये पार कर लिया रेड यानी लाल। मैं हूँ आप सबका फेलो और मेरी गाड़ी का कलर है येलो। विबी। पार कर लिया है येलो यानी पीला। नहीं लेना चाहिए कभी रिवेंज, मेरी गाड़ी का कलर है ऑरेंज। अब मैं नीचे पहुंच जाऊंगा फौरन। यप्पी वूहू ये पार कर लिया है ऑरेंज यानी नारंगी। इसे पार करना है मेरा ड्रीम। केंट की गाड़ी का कलर है ग्रीन। तो चलो पार कर लिया है ग्रीन यानी हरा। नीचे जाने में नहीं करूंगा ब्लिंक। केंट की गाड़ी का कलर है पिंक। वो मैंने पार कर लिया है पिंक यानी गुलाबी। उफ, आज कितनी गर्मी है, काश आइसक्रीम। अरे वाह क्या बात है। हाय केंट। हाय लुक, मुझे एक आइसक्रीम मिलेगी? हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आइसक्रीम खाने का मेरा है मन, सारी खा जाऊंगा जब तक है दम। Enjoy your ice cream. Thank you, look. मजे से खाऊंगा। Bye. अरे ये क्या हुआ? Ice cream तो गिर गई। अब मैं क्या करूंगा? मेरा कितना मन था ice cream खाने का। क्या हुआ केंट? तुम इतने उदास क्यों हो? बताओ। केंट को खानी थी ice cream, बस यही था उसका dream। जैसे ही उसने ice cream की उड़ाई मजे, वो सीधा गिर गई नीचे। क्या करेंगे? क्या करें? मुझे एक आइडिया आया है। लेकिन क्या? अरे चलो तो मेरे साथ, तुम्हारे पास कौन है ना? हाँ है ना। रुको, मैं अभी आया। अरे ये सारा सामान क्यों फेंक रहा है? अब देखना मेरा कमाल। वाह संतरे, ये हो गए नारंगी रंगी ऑरेंज फ्लेवर आइसक्रीम। इससे क्या होगा? बस देखते जाओ। ये हो गया ऑरेंज फ्लेवर। वाह बढ़िया। केले, अभी के अभी बनाना फ्लेवर की आइसक्रीम बन जाओ। जल्दी करो जल्दी करो। ये है पीले रंग की बनाना फ्लेवर आइसक्रीम। नाशपाती, अभी के अभी पेयर फ्लेवर की आइसक्रीम बन जाओ। ये बन गई पेयर फ्लेवर की हरे रंग की आइसक्रीम। वाओ इतनी सारी आइसक्रीम। अंगूर, अभी के अभी ग्रेप्स फ्लेवर की आइसक्रीम बन जाओ। ये बन गई बैंगनी रंग की ब्लैक करंट आइसक्रीम। यम्मी। सेब, अभी
के अभी एप्पल फ्लेवर की आइसक्रीम बन जाओ। आ जाओ आ जाओ। ये बन गई लाल रंग की एप्पल फ्लेवर आइसक्रीम। देखा जादुई छड़ी का कमाल, अगली बार फिर मिलूंगा। बाय। अरे बेल बजी, पता नहीं कौन आया होगा। ला 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 ला। वाह, ये क्या चीज है, खोल कर देखता हूँ। वाह, ये तो एक टाइम मशीन है। बैठ कर देखता हूँ, अब इसे ऑन करूँगा। लेकिन इसका बटन कहाँ है, शायद ये होगा। कहाँ तुम? ये क्या हो रहा है? केंट, ये देखो क्या? मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकू सा एलिफेंट। आज टाइम मशीन का एक्सपेरिमेंट फेल नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। मैं हूँ एक केव मैन और मैं अपनी गुफा में रहता हूँ। ये क्या, भागो! अरे ये मैं कहाँ हो गया? क्या ये गुफा है? अंदर जाके देखता हूँ। अरे ये क्या है? ये तो हाथ की ड्राइंग है, इसमें रंग भरता हूँ। शायद अंदर और भी ड्राइंग्स होंगी। एक हाथी, एक गाय, एक आदमी और एक झोपड़ी। चलो अब इस आदमी में रंग भर देता हूँ। हाँ, अब ये सुंदर लग रहा है। हाथी में भी रंग भर देता हूँ। कितना प्यारा लग रहा है। अब झोपड़ी की बारी, इसमें भी रंग भर दिया। वाह, ये है गाय। अब कितनी प्यारी लग रही है ये। रंग भरने के बाद ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ए, तुम कौन हो? मैं हूँ केंट, छोटू सा एलिफेंट। चलो तुम्हारी खातिरदारी करता हूँ। थैंक यू, मुझे बहुत भूख खुआई थी। आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे ये कहाँ से आ गया? अरे उन्हें क्या हो गया? कहाँ गए वो? चलो मैं ही खा लेता हूँ। मैं हूँ स्टेगोसॉरस डायनासोर और मैं वेजिटेरियन हूँ। मुझे भी दो। भागो, मैं टाइम मशीन में बैठकर वापस जाता हूँ। चलो चलो जल्दी वापस चलो। बच गया। मत पूछो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया। हम सब बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, जैसे मैं चिकित्सक बनना चाहता हूँ। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मैं बनना चाहता हूँ डॉक्टर। अब बताओ मैं क्या करूँ? वेल बताओ बताओ, ये वाला? नहीं नहीं, तो ये वाला होगा ना? आ, तो ये वाला तो पक्का है। नहीं ये भी नहीं। आप ये वाली? हाँ, ये है मेरी यूनिफॉर्म। केन चिकित्सक बन गया। ये और चिकित्सक की गाड़ी होती है एम्बुलेंस। अब केंट को बनना है अग्निशामक। तो बताओ बताओ मेरी कौन सी यूनिफॉर्म होनी चाहिए? बताओ दोस्तों, ये वाली? नहीं नहीं, तो फिर ये होगी। ये भी नहीं, अब तो यही बची। हाँ यही तो है। मैं बन गया अग्निशामक और अब मैं फायर ब्रिगेड में जाऊंगा। वो आ गई। अब केंट बनना चाहता है फार्मर, यानी किसान। उसके लिए कौन सी कॉस्ट्यूम होती है बताओ दोस्तों? ये वाला? नहीं तो? तो यही होगा। हाँ सही पहचाना, किसान के पास होता है ट्रैक्टर। अब केंट बनना चाहता है बावर्ची, यानी शेफ। शेफ की तो यही होगी। हाँ बिल्कुल सही, यही है शेफ की यूनिफॉर्म। ये अब मैं जा रहा हूँ किचन में। बाय। हेलो फ्रेंड्स, मुझे मिस किया ना? देखो मैं आ गया। मैं आज एक सफर पर निकला हूँ, देखता हूँ मुझे कहाँ जाना है। ये है, चलो खजाना ढूंढने। हाँ? अरे कहाँ है खजाना, दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया होगा? हाँ शायद वो है, इसके अंदर कुछ है। खोल कर देखता हूँ। इसमें लिखा है एक फ्रूट ड्रॉ करो। ठीक है, अब तुम्हें गेस करना होगा।
होगा मैं क्या बना रहा हूँ। गेस करो गेस करो। समझ ही नहीं आ रहा। तो ये कौन सा फ्रूट है दोस्तों? क्या तुमने गेस कर लिया? शायद एप्पल। हाँ ये एक एप्पल है यानी सेब। और मैं इसे खा जाऊंगा। मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी था। अब ये वाला गेस करो। चलो चलो बताओ ये कौन सा फ्रूट है। क्या तुमने गेस कर लिया ये क्या है? ये पेर है यानी नाशपाती। खा जाऊंगा, मजा आ गया। अब ये आखिरी फ्रूट। ये तुम क्या बना रहे हो? बताओ बताओ कौन सा फ्रूट है ये? क्या तुमने गेस कर लिया दोस्तों? नहीं। ये बनाना है यानी केला। तो दोस्तों हमें रोज कोई ना कोई फ्रूट खाना चाहिए, इससे हम हेल्दी रहते हैं। फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स। अरे ये व्हील मेरी तरफ क्यों आ रही है? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अच्छा समझ गया, अभी बताता हूँ। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। आज मैं सीखूंगा कलर्स के नेम, बड़ा मजा आएगा, यही है मेरा एम। ये घूम क्यों नहीं रहा है? घूम जा घूम जा। यस घूम गया, देखते हैं कहाँ रुकेगा। कड़बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, कौन सा कलर इसमें है प्लीज केंट को बता दो। कितनी सारी बॉल्स हैं। इनका कलर है रेड यानी लाल। बाय, फिर मिलूंगा। हाय, ओ बिल तो फिर से आ रहा है। वो आ गया। ये मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। पहले मैंने सीखा रेड कलर का नेम, बड़ा मजा आया, यही था मेरा एम। ये घूम क्यों नहीं रहा है? घूम जाओ। घूम गया, देखता हूँ कहाँ रुकेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, कौन सा कलर इसमें है प्लीज केंट को बता दो। ये इतनी सारी बॉल्स। इनका रंग है येलो यानी पीला। बाय बाय, मैं आ गया। अब और कलर्स के बारे में जानेंगे। अरे ये तो फिर से आ गया। ये दोस्तों मैं अभी आया। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। मैंने सीखा रेड येलो नेम, बड़ा मजा आया, यही था मेरा एम। इसे फिर से घुमाता हूँ। अरे ये तो फिर से नहीं घूम रहा। घूम जा। घूम गया, देखता हूँ कहाँ रुकेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, कौन सा कलर इसमें है प्लीज केंट को बता दो। ये फिर से इतनी सारी बॉल्स। पिंक यानी गुलाबी। बाय बाय, मैं आ गया। हाय, ओ वी भी फिर से आ गया। अब और कलर्स के बारे में जानेंगे। ये हे, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मैंने सीखा रेड येलो पिंक नेम, बड़ा मजा आया, यही था मेरा एम। इसे फिर से घुमाता हूँ। फिर से अटक गया। घूम जा। घूम गया, देखते हैं कहाँ रुकेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, कौन सा कलर इसमें है प्लीज केंट को बता दो। ये इतनी सारी हरी बॉल्स। ये सारी हरी है, इतनी सारी हरी बॉल्स। अगली बार फिर मिलेंगे। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। आज बड़ा मजा आएगा, देखना मेरे फ्रेंड्स। अरे ये घर इतना फीका और बेरंग क्यों लग रहा है? चलो इसमें रंग भरते हैं और इसमें डिजाइंस भी बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ रहा है सर्कल यानी गोला। देखें ये कहाँ फिट होता है। आया आ गया। अब देखते हैं ये कहाँ आएगा। रेक्टेंगल यानी समकोण, ये यहाँ फिट हो गया। अब कौन सा आकार आएगा। स्क्वायर यानी चौकोर।
ट्रायंगल, इसे यहाँ सेट कर देता हूँ। अब ट्रायंगल यानी त्रिकोण, और ये जाएगा घर के सबसे ऊपर। इसके बाद आएगा स्टार यानी सितारा। ये घर के ऊपर लगाऊंगा, बड़ा प्यारा लगेगा। और ये पूरा हो गया। ये, ये। ये वाला है ऑरेंज यानी नारंगी। त्रिकोण था रेड यानी लाल रंग का। चौकोर था येलो यानी पीले रंग का। और गोला था ब्लू यानी नीले रंग का। और पता है सितारा था पिंक यानी गुलाबी रंग का। वाह! ये टास्क तो मैंने पूरा कर लिया। बहुत मजा आया दोस्तों, है ना? दोस्तों, मेरे खिलौने बहुत सिंपल है। आज मैंने पेंट करूंगा। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज करूंगा खिलौनों को पेंट, बड़ा मजा आएगा सच में मेरे फ्रेंड्स। टकबक टकबक, अरे वाह, मेरा हॉर्स यानी घोड़ा कितना सुंदर लग रहा है। आपको पता है दोस्तों, घोड़े ना खड़े होकर और लेट कर दोनों तरह से सो सकते हैं। और खाने में ना ये सिर्फ घास खाते हैं। इनकी लाइफ 25 इयर्स तक ही होती है। और बड़े होकर मैं हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी भी सीखूंगा। हॉर्स जहाँ रहता है उसे अस्तबल कहते हैं, और इसके अस्तबल का कलर है ग्रीन यानी हरा। हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा खिलौना है डक यानी बतख। इसे भी पेंट कर दूंगा। क्वैक 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 क्वैक। और ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये? हाँ, रंग के अंदर। ओ, कितना सुंदर लग रहा है ये रंग, इस पे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है दोस्तों, बतख के पंख ना वाटरप्रूफ होते हैं, यानी वो पानी में जाने पर भी गीले नहीं होते। उन्हें खाने में पौधे और मछलियाँ पसंद है, और वो बहुत ही प्यारे और सुंदर होते हैं। और अब ये डक जा रही है अपने घर में, जिसका रंग है येलो यानी पीला। ये मेरा फेवरेट कलर है। हेलो दोस्तों, ये है मेरा तीसरा खिलौना डियर यानी हिरन। अब देखते हैं ये किस रंग का बनेगा। और ये कलर हो रहा है। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है ये। दोस्तों, तुम्हें पता है हिरन के सर पर ना सींग होते हैं, जैसे काऊ के भी होते हैं। ये ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं और तैर भी सकते हैं। इनके पैर लंबे होते हैं और उनकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। ये जा रहा है अपने घर में, जिसका कलर है ऑरेंज यानी नारंगी। गया अंदर। हेलो दोस्तों, ये है मेरा फेवरेट टॉय, मेरा प्यारा सा डॉगी। मेरे पास घर पे एक डॉगी है जिसका नाम है ब्रूजो। चलो ब्रूजो, पूल में जाओ, कलर हो जाओ, जाओ 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 जाओ। ये गया। बाव 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 बाव। ओ, कितना प्यारा लग रहा है ये। ब्रूजो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और डॉग्स बहुत फेथफुल भी होते हैं। जब मैं स्कूल जाता हूँ ना, तो वो मुझे बहुत मिस करता है, लेकिन जब मैं वापस आ जाता हूँ तो खुशी से अपनी पूंछ हिलाता है। और अब ये जा रहा है अपने घर, जिसका कलर है रेड यानी लाल। बाय ब्रूजो। हेलो दोस्तों, अरे ये तो मैं ही हूँ, छोटू सा एलिफेंट यानी हाथी। जाओ हाथी मेरे साथी। हाथी की आवाज को बोलते हैं ट्रम्पेट। ट्रम्पेट 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 ट्रम्पेट, गो गो गो। गया। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है ये। अब मैं आपको एलिफेंट्स के बारे में बताता हूँ। हम लोग ना दुनिया के सबसे बड़े एनिमल्स हैं, और मुझे बहुत भूख लगती है, लेकिन मुझे सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लांट्स ही पसंद है। मैं छोटू एलिफेंट हूँ ना, इसलिए मुझे काफ कहते हैं। चलो अब मैं अपनी बॉक्स में जा रहा हूँ, बाय बाय। मेरी बॉक्स का कलर है ब्लू यानी नीला। मैं फिर से आ गया दोस्तों, और मेरा अगला टॉय है स्नेल। चलो चलो स्नेल, चलो।
क्यूटू क्यूटू छोटे से जाओ 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 कलर जाओ। देखते हैं इसे कौन सा रंग मिलता है। अरे वाह तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। स्नेल ना बहुत स्लो चलते हैं कुछ 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 और केंटू कभी कभी उनके साथ खेलता भी है। वो बहुत प्यारे होते किसी को कभी तंग नहीं करते। उनके सर पे ना दो ट्विंग होते हैं और वो बड़े प्यारे होते हैं और जब ये चलते हैं तो पीछे कुछ चिपचिपा सा छूट जाता है। इसके घर का कलर है पर्पल यानी बैंगनी। गई अपने घर में बाय बाय। मेरा नाम है केंट मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज मुकाबला है ल्यूक के संग बड़ा मजा आएगा देखना मेरे फ्रेंड्स। दोस्तों आज फुटबॉल के मैच के दौरान हम रंगों के नाम भी सीखेंगे। मारो और ये मारा। देखना मैं बॉल को रोक लूंगा और गोल नहीं होने दूंगा। आजा 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 आजा। अरे नहीं लेकिन मैं जीत गया। वाह देखता हूँ मुझे कौन से रंग का बैज मिला है। आ जाओ आ जाओ रेड यानी लाल। और मैं जीता इसीलिए मुझे एक और गोल करने का मौका मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। ये वाला भी जीतूंगा। अब की बार तो रोक कर ही रहूंगा। आजा आजा ये मारा। गोल 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 पकड़ ली पकड़ ली। ये मैं जीत गया। और इस बार मुझे मिला है ग्रीन बैज यानी हरा। बड़ा मजा आया। अब मैं केंट को नहीं जीतने दूंगा और इस बार गोल मैं मारूंगा। इस बार केंट जीतने नहीं देगा। इस बार केंट पकड़ लेगा। अच्छा ये लो। आजा 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 और मैं पकड़ लूंगा पकड़। आ तो गिर गया। केंट मैं तो जीत। और मैं जीत गया। देखते हैं कौन से रंग का बैज मिला है। ये है पिंक यानी गुलाबी। मैं फिर से जीता तो अब मैं फिर से गोल करूंगा। तैयार हो केंट। केंट इस बार जीत कर ही रहेगा। केंट को जीतना ही होगा। गोल नहीं जाने दूंगा। तो ये आ रहा है गोल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे हाथ में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया। अरे कहाँ गई कहाँ गई। अरे पीछे चली गई। फिर से निकल गई। वाह मैं फिर से जीत गया। इस बार मुझे मिला है येलो बैज यानी पीला। अरे ये तो मेरा पसंदीदा रंग है। केंट मेरे पास तीन बैज हो गए। अब एक और बैज जीतूंगा। इस बार तो केंट जीत के ही रहेगा किसी भी हाल में। अब मैं जीत जाऊंगा। आ जाओ आ जाओ पकड़ लूंगा इस बार पकड़ लूंगा। आई पकड़ लिया बोला था। अरे ये केंट जीत गया। ये फिर से विनर हो गया। नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है। देखते हैं कौन से रंग का बैज मिलेगा। ब्लू यानी नीला। वाह अब गोल करने की मेरी बारी है। फिर से आ गया मैं। इस बार तुम गोल नहीं कर पाओगे पकड़ नहीं पाओगे। ये लो। गई 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 आजा 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 गोल हो जा। ये है मैंने बॉल पकड़ ली। ये मैं फिर से जीत गया। ये कैसे हो गया। आप क्या करो। मुझे मिला है ऑरेंज बैज यानी नारंगी। ये मेरा दोस्त लूक जीत गया। कोई बात नहीं अगर मैं हार गया तो क्या हुआ। मेरा दोस्त तो जीत गया ना। और दोस्तों की जीत अपनी ही जीत होती है। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो चलो उठ जाओ सुबह हो गई बेटा। स्कूल के लिए रेडी हो जाओ वरना लेट हो जाओगे। आ,
एलिफेंट सुबह सवेरे उठता है, रात को जल्दी सोता है, उठते ही जाता है बाथरूम में, ब्रश करता है येलो ब्रश से, येलो यानी पीला। टिंग 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 निंग 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 निंग। फिर नहाता है गर्म पानी से, साबुन लगाता सफेद 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 यानी वाइट। मम्मा लाती है लाल ड्रेस जो नहीं होती है प्रेस। चेंज करो। फिर लाती है हरी ड्रेस जिससे केंट नहीं होता इम्प्रेस। फिर आती है नीली ड्रेस और वो है उसकी फेवरेट। ये अब वो जाएगा बाहर और वहाँ पर आएगी उसकी, क्या आएगी उसकी, बोलो बोलो बोलो। हाँ, उसकी स्कूल बस। बस में है उसके दोस्त जो मिलते हैं उसको हर रोज। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आ गया आपका प्यारा सा छुटकुसा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। मैं मम्मा पापा के साथ पिकनिक पर आया हूँ। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, वो भी मेरी तरह क्यूट हैं। पर यहाँ एक गड़बड़ भी है। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छुटकुसा एलिफेंट। पर है ये मुसीबत बड़ी अतरंग, ये बच्चे नहीं है मम्मी के संग। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हैन यानी मुर्गी है, गोट यानी बकरी है, काऊ यानी गाय भी है, घोड़ा यानी हॉर्स है और डक यानी बतख भी है। ये सब तो ठीक है, पर गड़बड़ कहाँ है? अरे हाँ, ये सारे बेबीज अपनी मम्मा के साथ नहीं है। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो इन्हें अपनी मम्मी से मिलवाते हैं। चलो शुरू करें। यहाँ है बच्चे और ये है हैन यानी मुर्गी। क्या मुर्गी के बेबी को फॉल कहते हैं? अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये नहीं हो सकता। तो फिर शायद डकलिंग होगी। नहीं, ये भी नहीं है, ये तो मैच कर ही नहीं रही। तो फिर कैन का बेबी ये किड होगा? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये तो इनसे बहुत बड़ा है। चलो इसे वापस डाल देते हैं। काफ, अरे नहीं, ये भी इनसे बहुत बड़ी है, ये भी इनकी बेबी नहीं हो सकती। अब सिर्फ बची है ये चिक। अरे हाँ, हैन और चिकन। क्लक क्लक, ट्वीट ट्वीट। इन्हें अपनी बेबी मिल गई और ये लोग कितने खुश हैं। चलो अब देखते हैं कि हॉर्स यानी घोड़े का बेबी कौन हो सकता है? क्या किड है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर शायद ये चिकन होगा। नहीं, ये तो बहुत ही छोटू है मेरी तरह। अब कौन सा वाला ट्राई करें? अरे हाँ, फूल। अरे हाँ, हॉर्स के बेबी को तो फूल कहते हैं। हॉर्स और फूल, ये। तो बताओ काऊ यानी गाय के बेबी को क्या कहते हैं? एक फूल तो नहीं कहते, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि एक घोड़े के बेबी को कहते हैं, तो फूल तो नहीं हो सकता। क्या ये किड हो सकता है? इनकी आवाज तो मिल ही नहीं रही। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, रंग भी अलग है। क्या डकलिंग हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती, ये तो बहुत छोटी है। मुझे लगता है इनका बेबी होगा काफ। ये काऊ की बेबी को काफ कहते हैं। काऊ और काफ, मो। अब बताओ कि गोट यानी बकरियों के बेबी को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं? नहीं, तो शायद किड होगा। हाँ, सही पहचाना, गोट के बेबी को किड कहते हैं। जैसे हम इंसानों के बेबीज को भी किड कहते हैं, वैसे ही। चलो चलो, आप बताओ कि डक यानी बतख के बेबी को क्या कहते हैं? काफ तो नहीं हो सकता। अरे, ये तो काऊ का बेबी होता है ना, अभी तो पता लगाया था। तो क्या चिकन हो सकता है? नहीं, इसकी मम्मी तो हैन होती है ना। हाँ, इसे भी वापस रख देते हैं। हाँ, डकलिंग। डक की बेबी को डकलिंग कहते हैं। कितने खुश है दोनों। क्वैक क्वैक। अब मैं भी अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ। और पता है एलिफेंट की बेबी को क्या कहते हैं? हाँ, काफ कहते हैं। मैं काफ हूँ। आज हमने सारे मम्मी एनिमल्स और उनके बेबीज के नाम सीखे हैं। तुम लोग घर पे इसे रिवाइज करना। अगली बार फिर मिलूंगा। बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका प्यारा सा छुटकुसा दोस्त कैंडी एलिफेंट। आज का दिन कितना अच्छा है ना? आज मैं केक बनाने वाला हूँ। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ
चुटकुस एलिफेंट, बेकिंग की क्लास मैंने की है अटेंड, शेयरिंग से दोस्त ना होंगे ऑफेंड। ये बढ़िया खुशबू किस चीज की आ रही है? बेकिंग हो गई। ये है, इसे और भी मजेदार बनाने के लिए इस पर थोड़ी सी चॉकलेट आइसिंग लगा देता हूँ। यम्मी, आ जाओ लुक, मैं केक बना रहा हूँ। देखो देखो, ये होने वाला है। और हो गया। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो चले। क्या हमें भी खाने को मिलेगा? हाँ, सबको मिलेगा। मुझे थोड़ा केक चाहिए। मुझे भी थोड़ा चाहिए। केक तो मुझे भी चाहिए। दोस्तों, हमें चीजें शेयर करनी चाहिए, तो चलो इसे बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। पर इसे काटो कैसे कि सबको बराबर मिले? हम चार लोग हैं ना, तो इसे चार हिस्सों में काट लेता हूँ। एक टुकड़ा मोमो को, एक लुक के लिए, एक टीम के लिए, और ये आखिरी वाला होगा मेरे लिए। अब हम सबको बराबर हिस्सों में केक मिल गया है। और याद रखना दोस्तों, शेयर करने से प्यार बढ़ता है, और शेयरिंग इज केयरिंग। बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका प्यारा सा छोटा सा दोस्त केंट। आज बहुत मजा आने वाला है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकुस एलिफेंट, हमेशा रहता हूँ मस्त मगन, चीजें ढूंढूंगा दोस्तों के संग। चलो ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वाला है फाइंड द एप्पल, यानी सेब को ढूंढना। लाल लाल सेब, खा जाऊं क्या? नहीं, पहले ढूंढ लेता हूँ। चलो 3, 2, 1। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी सेब को ढूंढो। जल्दी जल्दी, टाइम निकल रहा है। लाल लाल सेब, लाल लाल एप्पल, रेड रेड एप्पल, मिला क्या? वो रहा बेंच के ऊपर। अब जाओ खा लो। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब है फाइंड माय कार, यानी गाड़ी। वाओ, लाल लाल गाड़ी, बताओ कहाँ छुपी हुई है प्यारी सी गाड़ी? 3, 2, 1। जल्दी जल्दी ढूंढना, टाइम निकल रहा है। कहाँ है, कहाँ है? क्या वो चेयर पे है? नहीं। क्या वो पेंटिंग के पास है? नहीं। क्या मिली? वो रही शेल्फ पर। वाह, बहुत बढ़िया दोस्तों, तुम्हें रेड कार मिल गई। अब है फाइंड माय सॉकर बॉल, यानी कि फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल से खेलते हो दोस्तों? मैं भी खेलता हूँ। चलो अब इसे ढूंढो। 3, 2, 1। जल्दी करना, टाइम बहुत कम है। जल्दी, क्या वो लैंप के पास है? नहीं। क्या वो बेड के ऊपर है? हाँ, दिखाई तो नहीं दे रही। कहाँ है बॉल? वो रही, आधी छुपी हुई थी। क्या तुमने ढूंढा? बहुत बढ़िया, मैंने तो ढूंढ लिया। अब है फाइंड द स्नोमैन। तू बताओ दोस्तों, स्नोमैन कहाँ पर होगा? 3, 2, 1, शुरू हो जाओ। कैट की ड्राइंग दिख रही है, डॉगी भी है, मिक्की माउस, फ्लावर और एप्पल और सनसेट और, अरे हाँ, एकदम नीचे कोने में छुपा हुआ था शैतान स्नोमैन। मिला ना आपको? अब हमें ढूंढना है बनाना, यानी केला। फाइंड अ बनाना। बनाना कहाँ है जरा बताना? चलो अब टाइम शुरू होने वाला है। 3, 2, 1, गो। क्या वो टेबल पर कहीं है? दिखाई तो नहीं दे रहा। सैलेड की बोल के पास भी नहीं है। हाँ, कहाँ होगा? वो रहा अकेला अकेला मिक्सर के पास। ये आपने ढूंढ निकाला। चीजें ढूंढने में तो बहुत मजा आया दोस्तों, और हमने काफी कुछ सीखा भी। बहुत मजा आया। तो आप लोग इस केंट को देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। मैं हूँ केंट द एलिफेंट, बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका केंट। ओह, अरे ये क्या, केंट का रूम तो कुछ ज्यादा ही गंदा है। पहले साफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम खेलेंगे दोस्तों, ठीक है? मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकुल सा एलिफेंट। आज करनी है क्लीनिंग माय फ्रेंड, और सीखेंगे एडिशन टिल द एंड। हमें रूम में बिखरे हुए सारे खिलौने उठाने हैं और उन्हें अपनी जगह पर रखना है। तो चलो शुरू करें। ये रही मेरी सॉकर बॉल, यानी कि फुटबॉल, और ये रही मेरी 2 बास्केटबॉल। अब देखना पड़ेगा कि मेरे कबर्ड में कितनी बॉल फिट हो पाएंगी। चलो कोशिश करके देखते हैं। तो सामने कितनी बॉल नजर आ रही है? क्या गिनती करने में मदद करोगे? तो चलो, 1 सॉकर बॉल यानी फुटबॉल, और 2
बास्केटबॉल। 1 + 2 होता है 1, 2, 3। हाँ सही कहा, 1 + 2 होता है 3। वाह क्या बात है, हमने एडिशन सीखा। अब इन्हें शेल्फ में रख दिया। मेरी कार, मेरे पास 2 लाल कार है और 2 पीली कार्स। जब लूक और टिम आते हैं तो वो इन गाड़ियों को लेकर झगड़ते ही रहते हैं। मेरे पास है 2 रेड कार और 2 येलो कार। तो मेरे पास कितनी कार्स हुई बताओ? 1, 2, 3 और 4। 2 + 2 होते हैं 4। क्या बात है, हमने गिनती सीखी। रूम रूम, चलो गाड़ी में। अब इसे रख दिया शेल्फ में। अब बुक्स की गिनती करेंगे। देखते हैं मेरे पास कितनी बुक्स हैं। मेरे पास हैं 3 गुलाबी बुक्स और 3 नीली बुक्स। तो हुई कितनी बुक्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब 3 और 3 होते हैं 6। क्या बात है दोस्तों, हमने गिनती कर ली। अब इन्हें इनकी जगह पर रख देते हैं। रख दी। अब मैं करूँगा फ्लोर की सफाई। क्या और कुछ करना बाकी है? अरे हाँ, ये सारे क्रेयॉन्स गिनने बाकी हैं। मेरे पास हरे क्रेयॉन है और नीले। चलो अब इनकी गिनती करते हैं। 4 + 4 हुए कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी 4 + 4 होता है 8। मेरे पास है 8 क्रेयॉन। अब चलो इन्हें इनकी जगह पर रख देते हैं। और टिंग 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 रख दिया। सफाई में मदद करने के लिए थैंक यू। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका दोस्त कैंडी एलिफेंट। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, बाजार गया था ना, पर एक प्रॉब्लम है, फल और सब्जियाँ मिक्स हो गयी। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकु सा एलिफेंट। सब्जियाँ और फल हो गए हैं मिक्स, मेरी ये प्रॉब्लम कर दो ना तुम फिक्स। क्या कहा, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है तो हम सब मिलके सॉल्व करते हैं। ये है 2 टोकरियाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। एप्पल यानी सेब को किस में डालूं? हाँ ये तो फ्रूट है, तो फ्रूट के बास्केट में गया। और ये कैरेट यानी गाजर की कहाँ जाएगी? हाँ ये तो वेजिटेबल है ना, डाल दिया वेजिटेबल की टोकरी में। और ये है ऑरेंज यानी संतरा, ऑरेंज तो फ्रूट है। पता है ना दोस्तों, तुम सब तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अब है एग प्लांट यानी कि बैंगन, इसे मैं डाल देता हूँ वेजिटेबल की टोकरी में। हाँ क्योंकि ये वेजिटेबल ही है। ये है ब्रोकली, ब्रोकली किस में डालूं? हाँ वेजिटेबल में। बहुत बढ़िया दोस्तों। ये है स्ट्रॉबेरी, मेरी फेवरेट, और इसे मैं डालूंगा फ्रूट के बास्केट में। और ये क्या है? ये स्पिनच है यानी पालक, और इसे हम डालेंगे वेजिटेबल की टोकरी में। बहुत बढ़िया दोस्तों। और ये है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ये भी एक वेजिटेबल ही होता है, डाल दिया। और ये क्या है? ये है ग्रेप्स, और इन्हें मैं डालूंगा फ्रूट बास्केट में। ये क्या होता है? ये है बनाना, ये भी एक फ्रूट होता है, इतना तो हम जानते ही हैं। और ये है जुकीनी, ये होती है वेजिटेबल। और ये क्या है? ये है वाटरमेलन यानी तरबूज, इसे किस में डालूं? ये फ्रूट है। वाह हमने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग कर लिए दोस्तों, तुम सब ने मेरी बहुत मदद की। फ्रूट बास्केट में है हमारे पास एप्पल यानी सेब, केला यानी बनाना, वाटरमेलन यानी तरबूज, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स यानी अंगूर और ऑरेंज यानी संतरा। वेजिटेबल बास्केट में हमारे पास है ब्रोकली, कैरेट यानी गाजर, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, स्पिनच यानी पालक, एग प्लांट यानी बैंगन और जुकीनी। हमने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल अलग कर
कर लिए। और याद रखना कि ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से हम हेल्दी रहेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया। तो चलो शुरू करते हैं। हमें इस गेम में फार्म पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनका नाम पजल में ढूंढना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये वर्ड फार्म पजल। ये तो बहुत आसान है, मैं तो चुटकियों में ढूंढ लूंगा। सबसे पहले काओ। तो चलो हम ढूंढते हैं लेटर्स सी ओ डब्ल्यू। सी, सी कहाँ है? हाँ मिल गया। अब मैं ढूंढता हूँ दूसरा लेटर ओ। हमें सी के अगल बगल ही देखना है ओ लेटर। क्या आपको कहीं दिखाई दिया? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वो रहा ओ, मिल गया ओ। और वो रहा डब्ल्यू, सी ओ डब्ल्यू, काओ यानी गाय। ये चलो अब देखते हैं अगला एनिमल कौन सा है। ओह, आपको क्या लगता है कौन सा एनिमल होगा? अरे ये तो डक है। इसकी स्पेलिंग है डी यू सी के, डक। क्या कहीं डी दिखाई दे रहा है? डी डी डी, वो रहा डी। अब अगला हमें ढूंढना है यू। क्या डी के आसपास यू दिख रहा है? दिखा दिखा दिखा। हाँ वो रहा, उसके नीचे। मिल गया डी और यू। इसके बाद हमें ढूंढना है सी। यू के नीचे मिल गया सी, और उसके नीचे के भी मिल गया। हमारा दूसरा एनिमल मिल गया डी यू सी के, डक। क्वाक क्वाक। अब अगला जानवर कौन सा होगा? ओ चिकन। ओ ये तो बहुत लंबी स्पेलिंग है। हमें शुरू करना है सी ढूंढने से। चलो सी ढूंढते हैं। कहाँ है सी? सी 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 सी, दो सी है। हाँ चिकन में दो सी होते हैं, पर अब हमें एच ढूंढना है। एच एच कहाँ होगा? एच एच सी के बगल में। हाँ वो रहा ऊपर। और उसके बाद है आई, फिर सी, फिर के, ई और एन। हमें मिल गया चिकन। ये चलो अब अगले पजल की तरफ चलते हैं। इसमें कौन सा? ओ हॉर्स। H O R S E, हॉर्स। सबसे पहले हमें ढूंढना है H। H मिला। कहाँ है H? हाँ वो रहा। ये फिर मिल गया O, और उसी के बगल में R, फिर S, और उसके बगल में E। H O R S E, हॉर्स। हमें मिल गया। हम तो फटाफट सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। अब ये आखिरी वाला है। ये है गोट, जी ओ ए टी। कहीं जी दिखाई दे रहा है? जी, हाँ वो रहा। उसके बाद हमें ढूंढना है ओ। ओ कहाँ है? ओ ओ ओ ओ, हाँ जी के नीचे ओ। और उसके बाद मिल गया ए और टी। ये जी ओ ए टी, गुड, मिल गया। मैं, केंट ने सारे पजल सॉल्व कर दिए, और अब मैं सबके साथ में डांस कर रहा हूँ। आज बड़ा मजा आया। सीखने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा? स्पेलिंग्स रिवाइज करते रहना, मैं फिर मिलूंगा। बाय बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट।